मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे और सुरक्षित रह रहे होंगे। इस कठिन समय में जब देश एक अदृश्य वायरस से लड़ रहा है, हम मानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन के सभी पहलुओं में मानव सुरक्षा का जश्न मनाने का समय आ गया है। इस संदर्भ में मैलकॉम पीपीई इन लेजेंड्स नामक एक वीडियो श्रृंखला पेश करने में प्रसन्न है, जिसमें भारत के सबसे बड़े कारखानों और औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा अधिकारी एवं पर्यावरण स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबंधक शामिल होंगे, जो हजारों श्रमिकों को सुरक्षित रहने के लिए जिम्मेदार है ताकि उत्पादन किया जा सके। भारतीय विनिर्माण के पहियों को चालू रखते हुए बिना रुकावट के हम इन निस्वार्थ दिग्गजों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो न केवल कार्यस्थल और औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कार्यकर्ता सही प्रकार के गियर और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो श्रृंखला पीपीई में लेजेंड्स सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करती है और हम उन्हें अनसंग हीरो और फ्रंटलाइन औद्योगिक योद्धा के रूप में स्वीकार करना शुरू करते हैं। यह उनके प्रयास को स्वीकार करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने और उनकी कहानियों को आपके साथ साझा करने का हमारा तरीका है। पीपीई में लेजेंड्स के इस एपिसोड 2 में हम आपके लिए 6 ऐसे अग्नि सुरक्षा योद्धाओं को लेकर आए हैं, जो उनकी सफलता की कहानियां साझा करते हैं। वर्तमान नौकरी और कुल कितने समय का अनुभव है? सर, लगभग मेरा वर्तमान में मैं सिडकुल पन्नगर में काम कर रहा हूँ एज ए सीनियर सेफ्टी ऑफिसर, और लगभग मुझे 10 वर्ष का सेफ्टी फील्ड में। मेरा टोटल 30 साल का एक्सपीरियंस है। टोटल मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है। अभी मैं कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड में काम कर रहा हूँ। मुझे सेफ्टी में 11 साल हो गए हैं। मैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहा हूँ एचएस डिपार्टमेंट। कार्यकर्ता की सुरक्षा आपके लिए क्या मायने रखती है? कैजुअल सेफ्टी में मेन प्रॉब्लम यह है, हमारा जितना भी कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर है उसमें तकरीबन 30-40% रोज फ्रॉड होता है, मतलब नया वर्कर आता है। हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत उनके साथ में आती है, तो हमें जो नई मैन पावर है उसको हमें कम रिस्की और खतरे वाले ऑपरेशन में इन्वॉल्व करते हैं। वर्कर की ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई है, पीपीई जगह पर है कि नहीं है, और पीपीई है अगर और सेफ्टी रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो है वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब इंश्योर कर रहा हूँ। जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो कोई इम्प्लॉय हमारे यहाँ पे आता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है जिस कंडीशन उसने इन किया हम उसी सेफ कंडीशन उसको उसके घर पे गए। ओके, राइट सर। ये हमारा सेफ्टी के एस्पेक्ट में है। दूसरा क्या है, उसकी जो सोशल रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए उसका जो मिनिमम अर्निंग है वो किस तरीके से वो गेन करता है और वो किस तरीके से फैमिली को डिलीवर करता है, उसकी फैमिली उसके जो डिपेंडेंसी है किस तरीके से हमारी कंपनी उसको फुलफिल कर पाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने एम्प्लॉयों को बारी बारी ट्रेनिंग देते हैं, जैसे सेक्शन में हफ्ते हफ्ते में लोगों को बताते रहते हैं, अवेयरनेस करते रहते हैं, ट्रेनिंग फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग उसके बताते रहेंगे, लोग जागरूक भी होते रहेंगे और सेफ्टी को लेकर आगे। कितने कर्मचारी अपनी सुरक्षा के लिए आप पर निर्भर है? 1000 मैन पावर है जो कि मेरे पे डिपेंडेंट है, और इसमें मोस्टली लगभग 70% वर्कर कैजुअल वर्कर हैं। 200 से 300 अप्रोक्सीमेट 150 to 200। मेरी कंपनी में अराउंड 300 वर्कर्स हैं और उनकी सेफ्टी भी मैं देखता हूँ। आपकी नौकरी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सेफ्टी के कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए हम प्लांट में सेफ्टी प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं, टाइम टू टाइम सेफ्टी एक्टिविटी करते हैं और सेफ्टी क्विज वगैरह में डाउन द लाइन जो वर्कर हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, जो उनके थॉट्स हैं लाइन पर जाके हम उसको, जो भी वर्कर है काम कर रहा है तो वर्कर की इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लाइन पर जाके मीटिंग कंडक्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद हम वर्कर से सजेशन लेते हैं, जो वर्कर का सजेशन आता है उसे उसी के नाम के साथ में वहाँ पे उसके लाइन पे डिस्प्ले करते हैं। उस पर क्या है, अपना डिसिप्लिन एक्शन रहना चाहिए सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन में, और पंचुअलिटी रहना चाहिए, टाइम से काम होना चाहिए, और जो आदमी ट्रेन वर्कर को ट्रेन कर रहा है जी, और वो ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस चेक करते रहना चाहिए।
जो वो बराबर ट्रेन हुआ है कि नहीं। सेफ्टी अवेयरनेस हो जाए, वर्कर थोड़ा इंटरेस्ट लेने लग जाए और वो सीखे कि सेफ्टी अपने लिए है। लेजेंड्स इन पीपीई एपिसोड 2 में किंवदंतियों को देखने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि एपिसोड 3 में जल्दी ऐसे और कहानियां आपके लिए लाए वो दिग्गज है जिन्होंने हमारे अनुसरण करने के लिए बार उचित स्थापित किया है। प्रेरित रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।